राहुल गांधी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर हमला किया है, लेकिन इस बार खबर ये नहीं है बल्कि खबर ये है कि राहुल गांधी ने मोदी के स्टाइल में मोदी पर हमला किया। बेहद तीखे अंदाज में राहुल गांधी ने एक एक कर मोदी पर तीन हमले किए। मिर्जापुर में बोलते हुए राहुल ने सबसे पहले कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी भारत के आम आदमी की ताकत पहचानता है, लेकिन एक चौकीदार नहीं पहचानता। देखिए राहुल का बिल्कुल नए अंदाज में मोदी पर निशाना। अब मैं थोड़ी गुजरात की बात करता हूं, जो वहां के चौकीदार हैं गुजरात के, उनकी बात करता हूं। वो आते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है कि हिंदुस्तान का युवा खड़ा है, हिंदुस्तान का किसान खड़ा है, हिंदुस्तान का मजदूर खड़ा है, देश को खड़ा कर दिया इन लोगों ने, घबराहट हो रही है। और मोदी जी आते हैं ऐसे भाषण में, आते हैं कहते हैं, आपसे कहते हैं, हिंदुस्तान की जनता 60 साल से तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, तुम लोगों ने 60 साल से कुछ नहीं किया, तुम लोग सो रहे थे, तुम लोगों में कोई शक्ति नहीं है, तुम लोगों में कोई ज्ञान नहीं है, 60 साल बर्बाद किए तुम लोगों ने इस देश के, आजादी से 60 साल हो गए, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, अब मैं करूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैंने गुजरात को शक्ति दी, पूरे हिंदुस्तान को मैंने दूध दिया, अब मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। अमेरिका का राष्ट्रपति पहचानता है आपकी शक्ति को, चौकीदार नहीं पहचान पा रहा है। इसके बाद राहुल ने मोदी के गुजरात मॉडल को आड़े हाथों लिया। राहुल का कहना है कि मोदी अब गुजरात मॉडल की बात नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने उसका भंडाफोड़ कर दिया। अब देखिए गुजरात की चौकीदारी कैसे की, मैं आपको बताता हूं, गुजरात की चौकीदारी कैसे की मैं आपको बताता हूं। भैया पहले वो हर भाषण में गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल कहते थे, याद होगा आपको। अब भैया एक भाषण में गुजरात मॉडल का शब्द नहीं प्रयोग करते, एक भाषण सुन लो उनका जहां गुजरात मॉडल का शब्द का प्रयोग किया, नहीं, बंद हो गया, गुजरात मॉडल के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने गुजरात मॉडल समझा दिया, जनता को गुजरात मॉडल समझ में आ गई, उधर गुजरात मॉडल बंद हो गया। गुजरात मॉडल का मैं थोड़ा याद दिला देता हूं आपको, चौकीदारी कैसे की, किस प्रकार से की, किसके लिए की, मैं बता देता हूं। अब मजेदार बात सुनो, हिंदुस्तान की सरकार 30,000 करोड़ रुपए मनरेगा में डालती है, ठीक है, 30,000 करोड़ रुपए। मैंने गुजरात के आंकड़े निकाले, मिस्त्री जी आप आगे आइए जरा, मिस्त्री जी गुजरात के हैं, इनको आगे बैठाएंगे एक सेकंड, इनसे थोड़ी मैं बातचीत करूंगा। अब देखिए 30,000 करोड़ रुपी यूपीए डालती है मनरेगा में, आदिवासी भाइयों को, दलितों को, गरीबों को, मजदूरों को हमने 100 दिन का रोजगार गारंटी करके दिया, 30,000 रुपए लगे हिंदुस्तान में हर एक गरीब को दिया। गुजरात की सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य में 8,000 करोड़ रुपए डालती है, उनका बजट शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट जो है 8,000 करोड़ रुपए का है, उसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, दवाई, सब कुछ का पैसा शामिल है। गुजरात की जनता की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 8,000 करोड़ रुपए गुजरात की सरकार देती है, ठीक है,